तो अभी मैं पॉलिनेशन पे बात कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण चीजों पे भी आपसे चर्चा करूंगा। अब बात आती है जी, जब आप पिंक बर्ड पे करते हैं तो आपको किस चीज का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है? सबसे पहले तो आप प्रूनिंग के टाइम में, आप जब प्रूनिंग करेंगे, जब हम फील्ड में जाकर आपको लग जाएगा कि बीमो की प्रूनिंग कैसे करेंगे, स्ट्रॉन्ग बर्ड और वीक बर्ड। उसके बड़ी बात आती है जी, जब फ्लावर पिंक बर्ड आने लगता है ना, कई बार आपने देखा होगा फूल का साइज बड़ा छोटा रह जाता है और डंडी भी छोटी रह जाती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका फ्लावर वीक है। क्लियर सिंपल भाषा में, जिसमें आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आपको खुद भी तो लग जाता है पता छोटा छोटा कि भी फूल वीक है। अगर आपके कभी ऐसी स्थिति आए, वैसे अगर आप मेरा या जो भी आज का जो चार्ट चला है, नौनी विश्वविद्यालय का चला है या जो भी चले है अपने अपने, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती ज्यादा, मगर आप लोगों को आएगी क्योंकि आपके अभी स्टार्ट है जर्नी। तो जब आप स्टार्टिंग फेज में चलते हैं जी, एक मार्केट में स्प्रे के लिए खाद मिलती है 12-61 नाइट्रेट फॉस्फोरस 1 किलो 200 लीटर पानी में, 1 किलो 200 लीटर पानी। कंपनी का मुझे नहीं लेना देना, आपके पास जो भी मिले 12-61 12-54 12-12 अलग अलग उसमें आते हैं जी, फॉर्मेशन में कंपनी देती है, जो भी आपको दे उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होना चाहिए, पोटाश नहीं होनी चाहिए। ये आप डालेंगे तब जब आपके पिंक बर्ड आएगा। पिंक बर्ड की स्टेज क्या होगी जी? एक होता है जी जब वो खिलने लगता है, मतलब पिंक बर्ड दिखने लगे, ये स्प्रे उस टाइम की है। वो क्या करेगी जी, जो फॉस्फोरस है, वो जो आपकी पत्तियां है ना, जो छोटी सी आगे पत्ती आती है, उसको वो 48 आवर के लिए डाउन कर देगा, मतलब भोजन बनाने की प्रक्रिया को वो रोक लेगा। और जो नाइट्रोजन आपने डाला 12% में, वो क्या करेगा, वो पीछे से पुश करेगा डंडी को, और जो डंडी का साइज होगा ना आपका, वो बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ये बहुत ही सस्ती, मेरे को लगता है 120-130 रुपए से ऊपर मिलता होगा 1 किलो। और स्प्रे कैसी करनी है? मिस्ट, भिगोना नहीं है पेड़, आपको ये भी देखना होगा कि कौन सी स्प्रे आप मिस्ट कर सकते हैं और कौन सी भिगो के, क्योंकि जी कॉस्ट तो बढ़ गई ना, तेल का खर्चा बढ़ गया, मशीन का, लेबर का कॉस्ट बढ़ गई, दवाई का बढ़ गया, एक्स्ट्रा दवाई लग गई, एक्स्ट्रा नहीं खर्ची नहीं, सिर्फ धुआं सा देना है फुहारे से हल्का हल्का, और जहां 3-4 ड्रम पड़े वहां 1 ड्रम में स्प्रे, ठीक है जी। कितने का बैठ गया ड्रम? 20-30 रुपए, ठीक है जी। सबसे सस्ती और अच्छी चीज आपने स्प्रे करी। उसके बाद आप डालते हैं जी पिंक बर्ड के लिए, जो असली पिंक बर्ड होता है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जैसे पिंक बर्ड दिखना शुरू हुआ, जो मैंने अभी बताया वही आप डाल देंगे, वहां प्रॉब्लम है। पिंक बर्ड का मतलब होगा जी, जब आपके बगीचे में, खासतौर पर ये जो ओल्ड ऑर्चर्ड है हमारे बड़े ऑर्चर्ड, जब आपके 5-7 या 10% तक कहीं कहीं फ्लावर खिला हुआ दिख जाए, होता क्या जी, नीचे पिंक बर्ड होता है, ऊपर टाइट क्लस्टर ही होता है, चोटी में होता ना जी, तो वो बैठ नहीं पाता है कॉम्बिनेशन, ये हाई डेंसिटी नहीं है जहां एक साथ आता है। तो आपको क्या करना, जब 5-7% आपका फ्लावर खिले तब आपने पिंक बर्ड की स्प्रे करना। अगर आपने 12-61 डाल दिया है तो आपको वहां पर यूरिया डालने की और नाइट्रोजन डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं, फिर नहीं डालना, सिर्फ आप वहां क्या डालेंगे जी, वैसे 3 चीजें, नहीं तो 2 चीजें, तीसरी चीज सिर्फ तब ऐड होगी अगर आपकी प्रॉब्लम है पिंक बर्ड। तो जब आप बोरॉन डालते हैं, बोरॉन का क्या मतलब, सबसे पहला तो ये मतलब होना चाहिए कि बोरॉन करता क्या, फंक्शनिंग क्या है, डाल तो रहे क्यों डाल रहे, पता तो होना चाहिए ना जी, हम खाना खा रहे क्यों खा रहे, पानी पी रहे क्यों पी रहे, प्यास लगी इसलिए पानी पिया, तो हमारे को पता होना चाहिए। बोरॉन क्या करता जी, जो मैंने आपको अभी स्टिग्मा लाइन बताई ना जी, वो तो थोड़ी सी जब निकलती है ना, वो टेढ़ी सी होती है तिरछी, तो वो उसको स्ट्रेट करने में हेल्प करता है एक। दूसरा, जो बाहर का फ्लक्चुएशन है ना क्लाइमेट का, जिसमें कि आपका जो आप भी आएगा, जहां ठंडे एरिया में ज्यादा आप रहते हैं, जहां धूप नहीं पहुंच पाती, वहां पाड़ा पड़ता है क्रॉप, तो पाड़ा सबसे ज्यादा क्रॉप को डैमेज करता है आपके फ्लावर टाइम, तो वो क्या करता है जी, फूल के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रखता है बोरो, ठीक है जी। चलो सेल्फ विजन में भी हेल्प करिए। फिर आता जी आपका जिंक, जिंक का बड़ा अहम रोल, एक ही पॉइंट पे करूंगा क्योंकि फंक्शनिंग तो बहुत सारी है। एक जो महत्वपूर्ण, जो आपका जो केसर आएगा ना जी, प्रांगकरण आएगा, उसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, जो आएगा वो जब कहीं पे उसको डालेंगे ना जी, वो 2-4 सेकंड ही जिंदा रहता है,
अगर उतने टाइम में हो गया तो हो गया, नहीं तो फॉल्स पॉलिनेशन कहते हैं। तो वो उसकी लाइफ को इंक्रीज करता है, वो लगभग 12-14 सेकंड, नेचर में 12-14 सेकंड बहुत होते हैं, बहुत मायने। तो आपके पास एक चांस हो जाता है जिनके साथ सेटिंग में हेल्प करें।